हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग को लेके। तो मैंने कल आपको दिखाया था इसका क्रशर लेक को घुमाया था, और अब आई हूँ मैं झील के किनारे और साथ में खड़ी होके आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ यहाँ से। और आप मेरी वीडियो में बने रहे। ये देखिए नीचे लेक, लेक की करते हैं परिक्रमा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं झील की परिक्रमा और आपको भी कराते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सी झील है यहाँ पे, तो ये काफ़ी बड़ी है। और अब कर लेते हैं इसकी परिक्रमा। तो यहाँ पे आसपास झील के आसपास का दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बैठने के लिए पता नहीं कैसे करते होंगे, इधर से करते हैं। वो भी तो जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, पर वहाँ से सीधा जाओ, इधर से यहाँ से। काफ़ी बड़ी झील है तो परिक्रमा करते हुए टाइम लग जाएगा, तो आपको मैं पार जाके ही दिखाती हूँ। अब साइड से चले हैं ना, तो यहाँ भी ऊपर तक पानी आया है, तो शायद झील यहाँ तक होगी। ये देखिए गाइस, मैं झील के वाली तरफ को आ गई हूँ और यहाँ से आपको मंदिर का दर्शन कराती हूँ। यहाँ से ना डियर मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि मानो यहीं पे बैठ जाऊँ। तो देखिए गाइस, मैं भी आपको यहाँ के दर्शन करा देती हूँ, तो आप भी मेरे साथ बने रहें और मंदिर के करें दर्शन दूर से। ये देखिए गाइस, झील के साइड साइड में आपको कुशा दिख रही होगी, जो कि भागवत में भी कई बार दिखाते हैं कुशा के बारे में। तो ये कुशा भी है और साथ में इसमें मछलियाँ, ये देखिए गाइस, छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं इसमें। हाँ, मछलियाँ भी है इसमें छोटी छोटी। गाइस, इसके झील के अंदर है एक छोटा सा टापू। तो यहाँ के लोकल आदमियों को हमने पूछा था, तो वो बता रहे थे कि ये 6 महीने में अपना स्थान चेंज करता रहता है। कभी ये झील के उस तरफ को मिलता है, कभी इस तरफ को ये परिक्रमा करता रहता है झील की। तो पर आदमियों को पता ही नहीं चलता कि कब ये परिक्रमा करेगा, तो ये कुछ ऐसा बता रहे थे यहाँ के आदमी। मैंने सोचा आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूँ इस बात को भी। मैं इसे देखने के लिए ना लाहौल स्पीति से और कई कई जगहों से लोग आए हैं। ये देखिए छोटी सी बच्ची लाहौल स्पीति से आई है, इनको मैंने पूछा तो ये कुछ बात कर रहे हैं पीछे से। तो इतने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इसे देखने के लिए, यहाँ की मान्यत करने के लिए। यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ये पत्थरों के ढेर लगाए हैं ना, तो जब किसी की मन्नत पूरी होती है ना, या कोई मन्नत करके जाता होगा तो ये ढेर लगा जाता होगा, और जब वो मन्नत उसकी पूरी हो जाती होगी तो यहाँ पे वापस आता हो ना इन ढेरों को अलग अलग करने के लिए। तो शायद कई प्रकार की उलझनें होती है इंसान के, तो जब होता हो ना ऐसे, तो भगवान सबकी सुनता है। तो आप अपनी धारणा होती है भाई, ये इसके बारे में मैं हम तो क्या ही बोल सकते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ भी कुछ करते होंगे, इनकी पूजा वगैरह करते होंगे, कुछ अपने मन की श्रद्धा वगैरह होगी तो वो करते होंगे यहाँ पे। और ये कुछ इन्होंने निर्देश दिए हैं, पर आदमी कहाँ देखते हैं। और इसमें इन्होंने डालना बोला है कि कूड़ा करकट ना डालें भाई, इसका तो ध्यान रखना ही होता है जब ऐसी जगह आते हैं, तो कूड़े करकट का ध्यान तो रखना ही होता है। ये तो हमारे सबकी जिम्मेदारी है, ये लिख के या पढ़ के कुछ नहीं होता, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि स्वच्छता का तो ध्यान रखना ही होता है। मतलब जैसे हम अपने घर को समझते हैं, ऐसे ही यहाँ के लिए समझें और स्वच्छता का ध्यान रखें। ये नेचुरल सोर्स है। ये देखिए गाइस, इसमें पत्थरों को कैसे बनाया गया है, इसकी चिनाई बोलते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए गाइस, इन छोटे छोटे पत्थरों से इसकी चिनाई की गई होगी पुराने ज़माने में। और ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधा, जैसे आजकल हमारे प्लास्टर वगैरह करते हैं ना, तो इनके यहाँ कुछ नहीं किया है, भगवान की देन है। पुराने ज़माने में ऐसे मकान बनते थे, और ऐसे जो इसकी छत है वो भी पत्थर की बनी है।
शीश बोलते हैं, शीश। अच्छा, ये देखिए गाइज, हमें अभी अभी किसी ने यहाँ बताया कि ये देखिए गाइज, ये ना इसके झील के अंदर से निकाला गया है, इसको बोलते हैं शीश, शीश। तो ये अपने घर ले जाना होता है और ये भगवान के आगे चढ़ता है। जब गाइज आप भी आएंगे तो आप भी इसका ध्यान रखें और अपने साथी से ले जाएं, ये भगवान का आशीर्वाद होता है। यहाँ भी ऐसे बने हैं चारों तरफ मंदिर के, चनाई ऐसी हुई है सारे पत्थरों द्वारा, और यहाँ पे बनाते हैं खाना, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती होगी या यहाँ पे लंगर देते होंगे इसका मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पे खाना बन रहा था तो मैंने थोड़ी दूर से ही इसे शूट किया। ये कुछ गुरु जी के होते हैं, देवता जब आते हैं तो उनके ऊपर रखा जाता है ये जो अभी ये लेके गए हैं। गर्मियों में ये घर ठंडे होते हैं और सर्दियों में ये गर्म होते हैं अंदर से, तो इसमें कोई ठंड नहीं लगती है, यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे बनाया है। यहाँ पे लेडीज ना ये भंडारा लग रहा है तो ये लकड़ी लेके जा रही है और ये लकड़ियों पे ही जो कुछ खाने के लिए बनाएंगे, लकड़ियों का जलाएंगे और लकड़ियों पे ही खाना बनाएंगे। ये थोड़ी देर में ये रही अच्छा लग गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इनका होता होना कुछ। अच्छा, हमारे को नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, तो भंडारे करके सोलन शिमला सोलन में देखा हुआ नहीं आकल को। हाँ, हमारे भी पर हमारे नानी की जगह है। तब भंडारा वगैरह देते होंगे आप यहाँ पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरी रात? पूरी रात। अच्छा, जिन्ना हिमाचली के नाम से देंगे या फिर आपको भी दिखाएंगे यूट्यूब में? हाँ, दो चार दिन में पड़ेगी वीडियो। हाँ, अच्छा बताओ आप मेरे को भी, आप कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं? हम आए नवलाप से। अच्छा भैया, हमारे को तो इसके बारे में पता नहीं है। कमांड से आया, आईटी से कमांड से, और आई टू मीटर। अच्छा, तो भैया जो पत्थर जो रखे होते हैं ना पार, तो उसका क्या है? जैसे थोड़े थोड़े पत्थर रखते हैं यहाँ पार, ऐसे क्या करते हैं, पूछ देते हैं आगे मन्नत के लिए? कोई मानते नहीं, ऐसे नहीं ऐसे बोलते भाई, मन्नत करते हैं भाई, तब चिंते हुए वो देखो पार झील के ऊपर, देखो वहाँ लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कुछ नहीं है ना? इसमें देवते का कुछ? अच्छा, करो आप देवते का हो जाए ना। अच्छा, ऋषि जी का है ना? हाँ जी 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 जी, अब आएगा देवता, सुखदेव देवता आएगा। आपका बोलते हैं यहाँ पे ना लेडीज भी अपना भारा उठा रही है पीठ पे, जैसे जेंट्स लोग उठा रहे हैं यहाँ लेडीज भी कर रही है ऐसा काम। अब मौसम हो रहा है यहाँ पे खराब, अब निकलते हैं हम घर की ओर। तो यहाँ ठहरने के लिए भी कुछ इतना इंतजाम नहीं है और लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे आपने मेरे पीछे देखा होगा कि यहाँ पे बर्फ भी बड़ा जल्दी गिर जाता है। तो जब हम रास्ते से आ रहे थे तो बर्फ जगह जगह पे दिख रहा था हमारे को, पेड़ के नीचे, तो जाते जाते मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए, और मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। और ये लगे हैं यहाँ पे भंडारे की तैयारी करने, तो बेचारे बड़े दूर से आए हैं और अपने घर के लिए से ही लकड़ी लाए हैं, तो जो भंडारे का खाना बनेगा वो लकड़ी पे बनेगा, और ऐसा कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो गाइस, अगर आप भी आना चाहते हो इस स्थान पे, तो देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर सा व्यू है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये नीचे है झील और बीच में है ये मंदिर। तो यहाँ पे काफ़ी इन्होंने जागरण वगैरह रखा है, लेडीज जागरण कर रही है, और कुछ ऐसा है नज़ारा मेरे पीछे का, चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे पेड़ का तो कोई नामो निशान नहीं है, पर काफ़ी हाइट पे पेड़ दिख रहे हैं मुझे,
तो मुझे ये नहीं पता कि ये पेड़ काय के होंगे। और फिर मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, साथ साथ मेरे पीछे देखिए आप, और बने रहे मेरी वीडियो में, पूरा देखें, स्किप ना करें। अब जा रहे हैं हम दर्शन करके वापिस, यहाँ पे मौसम हो चुका है ख़राब और अब निकलते हैं घर की ओर। गाइज मेरी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और ये देखिए गाइज, आप घर की ओर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम आसमान छूने जा रहे हैं, तो आसमान ऐसा लग रहा है बिल्कुल साथ ही है हमारे। तो हम इतनी हाइट पे थे, तो आप मेरी वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। और ये आ रहे हैं यहाँ के देवी देवता प्राशर के लिए, तो ऐसा भी मान्यता है यहाँ की, तो देवी देवता भी यहाँ थोड़ी देर बैठने के लिए आते हैं।